मूवी के स्टार्ट होते ही दिखाया जाता है कि एरिक और रेमी अपने तीन बच्चों कैंड्रा, मेडिसन और ग्रीफिन के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उस घर के साथ में एक बहुत पुराना और स्केयरिंग सा ट्री होता है और दूसरी तरफ स्टार्ट से ही ग्रीफिन इस घर और उस ट्री में अजीब चीजें महसूस कर रहा था। ये अजीबोगरीब चीजें मेडिसन के साथ भी हो रही थी, लेकिन वो काफी छोटी बच्ची थी इसलिए वो बगैर डरे इन सब से खेल रही थी। और जब पहले ही दिन मेडिसन अपने रूम में जाती है तभी कोई कबर्ड के अंदर से उसके साथ बातें कर रहा होता है। और फिर रात को वो उस अलमारी के पास खेल रही होती है और जैसे ही वो अलमारी का हैंडल टच करती है उसके बाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। फिर मेडिसन ग्रीफिन को भी कहती है कि उस हैंडल को टच करे और वो भी ऐसा ही करता है और उसके साथ भी सेम मूवमेंट होती है, लेकिन वो बच्चे इसे खेल ही खेल समझते हैं। इसके बाद रात को जब ग्रीफिन अपने रूम में सो रहा होता है सबसे पहले तो उस रूम से नजर आने वाली उसी ट्री से उसे बहुत डर लगता है और इसके साथ ही उसे रूम में मौजूद एक बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है और ग्रीफिन को उसके पीछे से बहुत ज्यादा खौफनाक फेस वाले क्लाउन के डॉल्स मिलते हैं। उन्हें देखकर ग्रीफिन काफी डर जाता है और उसे अपने रूम में नींद नहीं आती। फिर आधी रात को घर की सारी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खुद ब खुद चल पड़ती हैं और इसके साथ भी बंद होने लगती है। इसी दौरान ग्रीफिन की आंख खुल जाती है और उसे मेडिसन की आवाज आती है। उसकी आवाज सुन के वो नीचे आता है। वो मेडिसन को चुपके से देखता है। तब मेडिसन टीवी के सामने खड़ी हुई किसी से बातें कर रही होती है। मेडिसन टीवी पर हाथ रखते हुए ग्रीफिन को बताती है कि ये लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। ग्रीफिन उससे पूछता है कौन लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और इसके साथ ही बहुत सारे हाथ उभरना शुरू हो जाते हैं। ग्रीफिन टीवी बंद करने आगे की तरफ बढ़ता है लेकिन कोई पावर उसे पीछे की तरफ खींच लेती है। वहाँ पर बहुत शोर हो जाता है और उस शोर को सुनकर एरिक, एमी और कैंड्रा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब मेडिसन पीछे मुड़कर कहती है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अगले दिन एमी मेडिसन से पूछती है कि कल रात तुमने कहा था कि वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो वो कौन लोग हैं? मेडिसन जवाब देती है कि वो लोग मेरे फ्रेंड हैं और वो लॉस्ट पीपल हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं है। इसके बाद ग्रीफिन को गार्डन में से इंसानी हड्डी का पीस मिलता है और फिर जब वो घर के अंदर होता है तो अचानक से एक बॉल उसके पास आती है और उसके बाद वो बॉल खुद ब खुद मूव करती हुई मेडिसन की अलमारी के पास चली जाती है। इसे देखकर ग्रीफिन काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब कोई बहुत ज्यादा बुक्स की मदद से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और अचानक से रास्ता खुल भी जाता है। ग्रीफिन काफी डर जाता है और वो एरिक और एमी को ये बात बताने की काफी कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उस वक्त सबका ध्यान एरिक के लाए हुए प्रेजेंट्स पर था। रात को एरिक और एमी अपने फ्रेंड्स के घर डिनर के लिए जाते हैं और घर में कैंड्रा, ग्रीफिन और मेडिसन अकेले ही होते हैं। जिनके घर वो डिनर करने जाते हैं वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनका घर कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। दूसरी तरफ घर में बच्चों के साथ खौफनाक चीजें होना शुरू हो जाती है। कैंड्रा के नए मोबाइल में अजीब किस्म की आवाज आना शुरू हो जाती है और मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। कैंड्रा को हड्डियों वाला खौफनाक सा गोश्त नजर आता है और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब जमीन से एक हाथ निकलता है और कैंड्रा का पांव पकड़ लेता है। कैंड्रा मदद के लिए किसी को बुला रही होती है और साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है। उधर ग्रीफिन के रूम में सारे डॉल्स खुद ब खुद मूव करने लगते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आने वाला क्लाउन ग्रीफिन पर हमला कर देता है। इसी दौरान उस ट्री की शाखें उस रूम की विंडो को मार मार के तोड़ रही होती है। ग्रीफिन उस क्लाउन को अपने पैरों से मार मार के तोड़ देता है और वहां से भाग भी जाता है। ग्रीफिन भागकर मेडिसन के रूम में आता है, तब वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उसके रूम की विंडो पर भी उसी ट्री की शाखें होती है। ग्रीफिन डर के वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई पावर उसे रोक लेती है और उसे भागने नहीं देती और उस ट्री की शाखें खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है और ग्रीफिन को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ मेडिसन के रूम में उसकी अलमारी खुल जाती है और उस रूम की सारी लाइट्स अलमारी के अंदर चली जाती है। मेडिसन का टॉय भी अंदर चला जाता है। मेडिसन उसके पीछे अलमारी के अंदर चली जाती है और वहाँ पर बहुत से गोस्ट मेडिसन को अलमारी के अंदर खींच लेते हैं। ठीक उसी वक्त एरिक और एमी भी घर में पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रीफिन उस ट्री की शाखों में बुरी तरह फंसा हुआ है। जैसे ही ये लोग उस दरख्त के पास जाते हैं ग्रीफिन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। कैंड्रा घर के अंदर से भागती हुई आती है और कहती है कि मेडिसन कहीं भी नहीं मिल रही है। ये लोग सारे घर में मेडिसन को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल, और टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और उसके अंदर से मेडिसन की आवाज आती है। एमी ही फील करती है कि मेडिसन टीवी के अंदर है और वो टीवी की स्क्रीन पर हाथ रखती है, तब मेडिसन का हाथ उसे टच करता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और डर भी जाते हैं। इसके बाद एमी पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर ब्रूक से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। डॉक्टर ब्रूक अपने दो साथी बॉयड और सूफी के साथ इन लोगों के घर पर आती है और वो लोग अपनी रिसर्च में लग जाते हैं। रिसर्च के दौरान जब बॉयड एक चेयर पर बैठने की कोशिश करता है तब वो चेयर खुद ब खुद उछलकर हवा में चली जाती है। डॉक्टर ब्रूक उनको बताती है कि
कि आपके घर में कोई आम साया नहीं है बल्कि ये पोल्टरगाइस्ट है। ये पोल्टरगाइस्ट नॉर्मल भूतों से ज्यादा खौफनाक और पावरफुल होते हैं और चीजों को इधर उधर आसानी से फेंक सकते हैं। ये पोल्टरगाइस्ट बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, एकदम से आते हैं और एकदम से चले भी जाते हैं, और ये पोल्टरगाइस्ट तादाद में बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो घर पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जिसमें कैमरा शामिल है वो लगवाते हैं ताकि कुछ भी हो तो वो उसमें कैप्चर हो सके और जितनी जल्दी हो सके वो मेडिसिन से रब्ता भी कर ले। वायर जब मेडिसिन के रूम में उस अलमारी में ड्रिल करने जाता है तब कोई उसकी ड्रिल ही अंदर खींच लेता है, और जब वो ड्रिल को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है तब कोई उसका हाथ ही अंदर की तरफ खींचता है, और फिर कोई अंदर की तरफ से ड्रिल करता है और ये ड्रिल वायर के चेहरे के बिल्कुल पास होता है, और फिर वो शैतानी ताकत उसे छोड़ देती है। वायर देखता है कि उसकी बाजू पर किसी के पकड़ने के निशान है और फिर वो खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, और दीवार में जो छेद बनाया गया था वो भी अब खत्म हो चुका है। घर में हर जगह इक्विपमेंट्स लगाने के बाद ये लोग मेडिसिन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एमी टीवी के थ्रू मेडिसिन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है और वो कंटिन्यूसली उसे आवाजें दे रही होती है। एमी को मेडिसिन का रिप्लाई भी आता है, वो कहती है कि वो उन लोगों के पास आ नहीं पा रही। ये सुनकर एमी को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वहाँ पर मेडिसिन के साथ कोई और भी है। इसके साथ ही वहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं और वो टीवी भी नीचे गिर जाता है। फिर एक काले रंग का साया नजर आता है जो मेडिसिन की आवाज में चिल्लाती हुई उसके रूम की तरफ भागती है। एरिक भी उसके पीछे भागता है और वो मेडिसिन की अलमारी में जाकर बैठ जाती है। एरिक उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वो मेडिसिन के भेस में किसी का भूत है। इसके साथ ही वो शैतान एरिक पर अटैक कर देता है। एरिक को काफी गुस्सा आ जाता है। एरिक उस अलमारी की दीवार को टेबल से मार मार कर तोड़ देता है। तभी वो दीवार खुल जाती है और वहां से बहुत ज्यादा लाइट्स आ रही होती है। उस दीवार में एक पोर्टल होता है। एरिक उस मेज की मदद से उसे मार मार के अंदर ही फेंक देता है। इसी दौरान उनके बेडरूम की सीलिंग पर एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से वही टेबल का टुकड़ा नीचे आकर गिरता है। उसे देखकर डॉक्टर ब्रूक बोलती है कि यही मेडिसिन के बाहर आने का दरवाजा बनेगा और ये काम डॉक्टर ब्रूक से अकेले नहीं होगा। इस मकसद के लिए वो अपने एक्स हस्बैंड माइस्टीरियस सब्जेक्ट एक्सपर्ट और फेमस टेलीविजन पर्सनैलिटी को यानी कैरिगन को बुलाती है। कैरिगन इन्वेस्टिगेशन के बाद बताते हैं ये घर कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है जिसकी वजह से वो सारे डेड बॉडीज बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और सारे के सारे भूत पोल्टरगाइस्ट में बदल गए हैं। और मेडिसिन के पास पैदा होते ही एक स्पेशल गिफ्ट है जिसकी वजह से वो इन भूतों से अपना रिलेशन बना सकती है, और यही वजह है कि उन पोल्टरगाइस्ट ने उसे अपनी दूसरी दुनिया में खींच लिया है। इसके बाद बॉय मेडिसिन की अलमारी की दीवार को एक रस्सी से बांधकर उस खुले हुए पोर्टल में डाल देता है, और जैसे एरिक का उस पोर्टल में फेंका गया टेबल उस दूसरे पोर्टल से बाहर आ गया था, इसी तरह वो रस्सी भी दूसरे पोर्टल की मदद से बाहर आ गई और यहाँ कैरिगन की ये ट्रिक कामयाब हो गई थी, क्योंकि अब रस्सी का एक हिस्सा मेडिसिन के रूम में बना हुआ उस पोर्टल में था और दूसरा हिस्सा जो उनके लिविंग रूम में पोर्टल था वहाँ पर आ गया। वायर सबको एक ट्रैकर देता है ताकि सबको ट्रैक किया जा सके। इसके बाद कैरिगन ग्रिफिन के इलेक्ट्रिक टॉय को उस पोर्टल के अंदर भेजता है जिसमे कैमरा भी लगा होता है, और जब वो टॉय अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे भूत आसानी से नजर आ जाते हैं। फिर वो ड्रोन उन भूतों में से गुजरता हुआ मेडिसिन के पास जाता है और वो ड्रोन के जरिए मेडिसिन से कॉन्टेक्ट करते हैं। मेडिसिन उन लोगों से बात भी करती है। अभी वो मेडिसिन को पोर्टल से बाहर आने का रास्ता बता ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर तीन भूत आ जाते हैं और मेडिसिन को खींच के ले जाते हैं, और फिर वो ड्रोन गिर जाता है। फिर कैरिगन ये डिसाइड करते हैं कि वो रस्सी की मदद से अंदर जाएंगे और मेडिसिन को बाहर निकाल के लाएंगे, लेकिन एमी कहती है कि मेडिसिन को लेने अंदर वो जाएगी, और इसके साथ ही सबके अंदर जाने के पीछे बहस हो जाती है। सोफी देखती है कि ग्रिफिन मेडिसिन के रूम में चला गया है, वो सब भी ग्रिफिन के पीछे भागते हैं। तब ग्रिफिन उसे कहता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, अगर वो मेडिसिन को अकेले ना छोड़ता तो आज वो वहाँ पर ना हो, और ये कहते ही वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। जैसे ही ग्रिफिन अंदर जाता है ये लोग रस्सी के दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से पकड़ लेते हैं और बाहर से ही बर ग्रिफिन की हेल्प करते हैं। ग्रिफिन उन भूतों में से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और वहाँ पर उसे उसका ड्रोन भी नजर आता है। फिर उसे मेडिसिन नजर आती है और वो मेडिसिन को कहता है कि वो मेरे साथ चले, लेकिन मेडिसिन उसे रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। मेडिसिन के चारों तरफ वो भूत होते हैं और वही उसे बाहर नहीं जाने दे रहे होते, और फिर वो भूत उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। बहुत सारे भूत जब रस्सी को पकड़ लेते हैं तब उनके वेट से उस रस्सी का हुक टूट जाता है, लेकिन बाहर फिर भी
एरिक और कैरिगन उस रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। इनके मुकाबले में दूसरी तरफ वो भूत भी मजबूती से रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और आखिरकार इनके हाथ से रस्सी छूट जाती है। तभी अचानक से ग्रिफिन की नजर उस रस्सी की तरफ पड़ती है जो उन्हें बाहर निकलने में हेल्प करेगी। ग्रिफिन जल्दी से मेडिसन का हाथ पकड़ता है और एग्जिट वाली पोर्टल की रस्सी को पकड़ लेता है। वो भूत इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और एग्जिट वाले पोर्टल से पहले एक रस्सी बाहर आती है और उसके साथ ही ग्रिफिन और मेडिसन भी बाहर आ जाते हैं। दोनों बच्चे बेहोश हुए होते हैं और एरिक और एमी उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं। फिर वो लोग होश में आ जाते हैं। उन्हें सही सलामत देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रिफिन को उसकी बहादुरी की वजह से वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग उस घर को छोड़कर यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मेडिसन उन्हें बताती है कि अभी तक भूत इस घर में मौजूद। वो लोग गाड़ी को जल्दी से वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। तभी ये भूत उनकी गाड़ी को अंदर की तरफ खींच लेते हैं। कार दीवार को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है और वो भूत मेडिसन को दोबारा से अंदर आने वाली पोर्टल की तरफ खींच लेते हैं और दूसरी तरफ सारे लोग मेडिसन को बचाने में लगे होते हैं। कैरिगन ये समझ जाते हैं कि ये भूत इनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें यहाँ से छुटकारा हासिल करने के लिए मेडिसन की हेल्प चाहिए। फिर वो सारे भूत पोर्टल से बाहर आते हैं और मेडिसन को अंदर खींच के ले जा रहे होते हैं। कैरिगन उन्हें हुक्म देते हैं कि वो अंदर चले जाएं और वो अंदर चले जाते हैं। कैरिगन खुद उस पोर्टल में उतर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मेडिसन के अलावा एक वही वाहिद शख्स है जो उनकी फैमिली को बचा सकते हैं। इसके साथ ही एरिक और उसकी फैमिली वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनके गार्डन में बहुत सारी डेड बॉडीज और हड्डियों वाले मुर्दे बाहर आते हैं और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। वो लोग सूफी की कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लोग देखते हैं कि घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उसकी छत से एक बहुत बड़ी रोशनी निकल के बाहर आई है जो आसमान की तरफ जा रही है। ये लोग फौरन समझ जाते हैं कि बर्ग ने उनकी हेल्प कर दी है और उस जगह को पोल्टरगाइस्ट से आजाद कर दिया है। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रो अपनी साथियों की हेल्प से जीपीएस के थ्रू कैरिगन को घर में ढूंढ रही होती है। पहले तो उन्हें बर्ग कहीं भी नहीं मिलती, फिर उन्हें जीपीएस ट्रैकर में बर्ग के होने का सबूत मिल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एरिक की फैमिली फिर एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और उस घर के साथ में भी एक अजीब किस्म का दरख्त होता है। जैसे ही ये उस दरख्त को देखते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि कैरिगन और ब्रूक अपने ड्रामा शो फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि बर्ग वहाँ से सही सलामत वापस आ गए थे और कैरिगन और डॉक्टर ब्रूक दोबारा से मिल जाते हैं। ये मूवी का लास्ट सीन होता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।